अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। नया दिन नए व्लॉग के साथ, और ये हमारे आगे बैठी है हमारी आपा। हेलो मामा, हाउ आर यू? इतनी बेदार क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, अपने क्या हुआ? पापा का इंतजार कर रही हूँ। ये अपने बाबा का वेट कर रही है, इनको लग रहा है आज ही अपने घर चली जाएंगी, पर ये इनकी गलत फहमी है, क्योंकि बच्चों का प्लान है कि आज ही दोबारा हमारे घर पे ही रुकेंगी। और वो खड़े हुए उस्मान मियाँ साहब पीछे, उनको आज वार्निंग मिली है। उस्मान को आज कितने बजे राइटिंग की सजा मिली है? दस, नहीं 5 इंग्लिश 5 उर्दू। उस्मान आज कह रहे हैं 5 इंग्लिश और 5 उर्दू के पेपर्स राइटिंग। उस्मान कितने हो गए? सिर्फ 3 हुए। तो ठीक है, हम व्लॉग रात से पहले ही अपलोड कर देंगे ताकि बाबा देख लें और उनको पता चल जाए तुमने कितने पेज राइटिंग करी है। चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं आपके साथ आज क्या होता है। आज आपका पाँव टूटता है या हाथ टूटता है? अच्छा, और उमर आगे तो आओ, अरे आगे आओ जल्दी से। अच्छा मामा, उस बच्चे के बारे में क्या बोलूँगी जो अभी दिन ब दिन वायरल हो रहा है, गिलगिस्तान वाला बच्चा? तो वो बच्चा बोले, वो था उसका अब नाम है शिराजी। अच्छा, इसके अलावा लेकिन वो बच्चा वाकई में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। उसकी छोटी सी बहुत प्यारी सी बहन भी है और वो 250 साल की है। 250 साल? उस बच्ची ने यही बोला है कि मैं 250 साल की हूँ। आओ, वो तो आप तुमसे बड़ी है। हम ना आप नीचे गिर गई। बच्ची कितने साल की है? 250 साल। तो फिर आप कितने साल की हुई? 6 की हो। असल में वो बच्ची तेई, वो 6 साल की भी नहीं है, वो बच्चा सिर्फ 6 साल का है। आप वैसे कितने साल की हो आपा? मैं तो 6 की हूँ। लेकिन आप क्या कर सकती हो, वो बच्चा तो आपसे भी ज्यादा आगे निकल गया। आपने क्या किया अपनी जिंदगी में पूरे 6 साल के टाइम में? मुझे मारना। पूरे 6 साल के टाइम में क्या किया, जल्दी से बताओ मुझे मामा। क्या क्या कर दी, जल्दी बताओ। ये पॉइंट हाँ, हमना हमें बताएगी, हमना हमारी किस चीज में मास्टर है और हमने क्या क्या कर सकती है। हमना वैसे बाल पकड़ के उमामा को बहुत अच्छा घसीटती है, इसके अलावा और हमना बताओ क्या क्या कर सकती हो। अच्छा ना, जल्दी से सही सही बताओ, क्यों क्यों इतना शर्मा रही हो? नहीं, आज हमें हमना ये राज बताएगी कि टीचर इसको असेंबली में क्यों खड़ा नहीं करती। हमना मामा बताएगी, मामा बताओ टीचर इसको असेंबली में क्यों खड़ा नहीं करती? तो तलापे की वजह से। तो तलापा मतलब ये कैसे पढ़ती है, लपे आती है? और फिर असेंबली में बच्चों को समझ में नहीं आता, कभी खड़ा ही। और आप होती है खड़ी? हाँ अच्छा, तो मामा सिर्फ क्लास के सामने में खड़े होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हमने क्या कहना चाहोगी? सब कुछ आता है। चलो तो फिर आज आप इस बात को प्रूव कर दो, आपको क्या क्या आता है। इसको सिर्फ मेकअप आता है, और हमने और क्या आता है? ताने मारने आते हैं। अच्छा भैया, आप बड़ी बहन को ताने मारती हो? कौन से वाले ताने? अच्छा हमने, आप बताओ ना। नहीं हमने को डांस बहुत अच्छा आता है। देखो भाई, हमने को आप ढेर मत दो, हमने मुझे डांस करके दिखा दो, ठुमक ठुमक वाला। हमारा हमने डांस करके दिखा दो। अरे शर्म क्यों आती है, कल तो आपने टिकटॉक पे डाला था। जल्दी ना, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी। 1 2 3 रेडी, खड़े होके जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। हाँ ये तो कर, वो तो कर लेती है सब कुछ। आप बताओ ना, आपकी बात हो रही है, आप क्या कर सकती हो? अच्छा वहाँ पे जाके थोड़ा सा आगे जाके, ताकि सबको सही से नजर आए। 1 2 3 रेडी, चलो भाई ठीक है। चलो भाई, वाह 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 वाह। अच्छा और दूसरा वाला कौन सा था भाई? बादल बरसा, ये कौन सा गाना है? बादल बरसा पे करो भाई, मुझे गाना बहुत अच्छा आता। बादल बरसा बताओ भाई। बादल बरसा बिजली सामान को पानी, और
बेटा टीचर जब भी असेंबली में खड़ा नहीं करती बच्चों को नचाती होगी असेंबली में खड़ी होके अच्छा अच्छा और मगर आपसे कहना चाहोगी इनके बारे में ये क्या कर रही है देखा देखा लड़ाई शुरू हो गई ब्लॉग के दरमियान में बच्चों की लड़ाई अच्छा फिर अब हम इस वीडियो को फिर बंद कर देते हैं हम ना चलो आज आप कहोगी इसको बाय कैसे बोलोगे बाय बाय क्या पता आप कल इस व्लॉग में नहीं अगर नजर आई तो बाय बाय वैसे तो चांसेस हैं नजर आने के क्योंकि मैं आपके चश्मे में देख रही हूँ ना आप मेरे चश्मे में मत देखो ना आप कैमरे में देखो नीचे बैठो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है भाई अच्छा आप बताओ जी हाँ आपके आपके मेरे चैनल पे व्यूज बहुत कम है क्योंकि ये जो आवाम है ना जो मुझे देख रही है मुझे पूरा नहीं देखती यहाँ बच्चों की वजह से मुझे देख के दली जाती है आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वरना मैं आपको इस फोन में आके खा जाऊंगी चलो भाई बच्ची ने धमकी दी आप लोग क्या कहेंगी मोहतरमा इन दोनों को तो कुछ मुंह में आयरन नहीं रहा गुड बाय को तो बोल रहे हैं और मैं आपको ज़ॉम्बी बन के खा जाऊंगी यारी अब बॉस ज़ॉम्बी और दूसरी दादा की अरे हम ना आप बताओ मम्मा की परी है बाबा की परी हूँ मैं भी पापा की परी हूँ ये परियां अगर आ गई ना बेटा बच्चे डर जाएंगे मामा काली परी मतलब ये दो ब्राउन परियां यानी के काली परी बोल के ब्राउन परी नहीं नहीं मुझे याद है वो मामा है क्या है गोल्डी कलर है वो मामा चाचू की गोल्डन कलर की बच्ची है घोड़ी और ये गोरी बड़ी डायमंड एक और आया एक की कभी बाकी थी एक और आ गया ये डी हार उन्होंने सर से पेंसिल आर पार कर दी आप तो बेटा सिवाय ना राइटिंग करने पे कंसंट्रेट करो 10 पेज राइटिंग और जब उस्मान की हैप्पी बर्थडे रात को होगी ना केक कटेगा बच्ची एंजॉय करेंगी इसी के साथ साथ हम अपना वीडियो का ब्लॉग को एंड करते हैं तालियां और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंशाल्लाह सी यू सून अल्लाह हाफिज़